मैं सबसे पहला तो राम मंदिर का स्वागत करता हूँ, जहाँ राम विराजमान होंगे 22 तारीख के दिन, उसका मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और साथ ही जो मौलाना ने ये भ्रम फैला रहे हैं कि ट्रेन में आप सफ़र ना करें, अयोध्या ना जाएं, ये तो ऐसे लोगों को तो ऐसे लोगों के ऊपर तो अंकुश लगना चाहिए। मैं यहाँ की भारत सरकार से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों पर अंकुश लगाएं। और आज जब पासवानदा मुस्लिम महासंघ पूरे देश में उत्साह मना रही मंदिरों का, और आज हजारों हजारों मुसलमान वहाँ पर अयोध्या जिस दिन विराजमान होंगे हमारे राम जी, उस दिन हजारों मुसलमान वहाँ पहुँचेगा और वो स्वागत के लिए तत्पर है, और आज भी स्वागत के लिए खड़ा है मुसलमान वहाँ राम जी के लिए। तो ये क्या है कि ये हमारा जो देश है भारत देश, ये भारत देश क्या है कि सर्वधर्म देश है। इस सर्वधर्म देश के अंदर ऐसी बातें करना, कोई भी समाज का हो, किसी भी समाज के मामले में ऐसी बातें करना, वो देशद्रोही की तरह माना जाना चाहिए उस आदमी को जो इस तरह की बातें करता है। आज हमारे जो मंदिर का 500 साल बाद जो मंदिर का वो स्थापना हो रही है हमारा राम जी की, उस जगह पे उस मंदिर को बनाने में कई मुसलमान भाइयों का हाथ रहा है, और बड़ी खुशी खुशी उन मुसलमान भाइयों ने उस मंदिर का निर्माण करा है। और जो बारीकी से बारीकी जो चीज़ें हैं वो सब जयपुर के मुसलमान आए थे, और उन्होंने वहाँ पर जो बारीकी से बारीकी जो उसमें नक्काशियाँ हुई हैं उसको उन्होंने बनाई है। तो मुसलमान जो है भारत का रहने वाला है, और मुसलमान जो सही मुसलमान है भारत देश का, वो कभी भारत देश की कोई सी भी धरोहर हो, किसी भी समाज का हो, उसके लिए कभी भी मुसलमान उसकी ऑब्जेक्शन ले ही नहीं सकता। तो मैं क्या है कि और जो हमारी बहन है शबनम जी, वो बॉम्बे से लेकर तो अयोध्या जा रही हैं, तो वो भी तो एक मुसलमान बच्ची है, तो हम उसका भी स्वागत करते हैं। और साथ ही ये जो मौलाना भ्रम फैलाते फिर रहे हैं कि साहब वहाँ नहीं जाना चाहिए, ना ट्रेनें भी मत सफ़र करो, तो मतलब क्या है? जाना चाहिए हर मुसलमान भाई को, एकता का पैगाम पहुँचाना चाहिए उस दिन। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है वो सराहनीय है, और नरेंद्र मोदी जी ने जो ये कदम उठाया है ये सराहनीय है। एक बहुत बड़ा विवाद हमारे देश से ख़त्म हुआ, और आज मतलब एक अच्छाई की जीत हुई वहाँ पे, और अच्छाई की एक मूर्ति रखाने जा रहे हैं जो जिनका नाम है श्री राम जी। वो राम जी जो हैंगे वो अच्छाई का पैगाम लेके भारत में आए थे, और अच्छाई का बुराई का उन्होंने अंत करा था, और अच्छाई का पैगाम दिया था पूरा भारत देश को। तो मुसलमान और हिंदू और ये तो कोई बात ही नहीं उसके अंदर, ये तो आप सभी मुसलमान भाइयों को या पूरे देशवासियों को तो इस चीज़ का स्वागत करना चाहिए, राम जी का स्वागत करना चाहिए, और उस मंदिर का स्वागत करना चाहिए। सभी समाज को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी समाज को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ आपकी चैनल द्वारा, वो दिन एक ऐसा महात्यौहार का दिन मनाना चाहिए पूरे भारत देश को। और आज पासवानदा मुस्लिम महासंघ ने ऐलान करा पूरे भारत देश के अंदर कि साहब मांस मछली और ये अंडा बंद होना चाहिए उस दिन। मैं उनकी भी पसमंदा के हमारे जो ऊपर के लोग बैठे हैं उनके लिए भी मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ उनका इस बात को लेकर, और उनका स्वागत करता हूँ इस बात को लेकर कि जिन्होंने ये पैगाम दिया पूरे मध्य प्रदेश को, पूरे भारत को, कि मांस मछली सब बंद रहना चाहिए। सही बात है, उस दिन हमारे बहुत बड़ा दिन है भारत के लिए कि राम जी विराजमान हो रहे हैं, और वो एक ऐसा दिन मनाना चाहिए पूरे देश को, सभी समाज को ऐसा दिन मनाना चाहिए कि महादिवाली, जिसे कहते हैं महादिवाली। और ये 22 तारीख को ही नहीं मनाना चाहिए, ये हर साल 22 तारीख के दिन जो दिवाली का दिन है, दिवाली बड़ी दिवाली है, इस दिन मनाना चाहिए, क्योंकि दिवाली तो राम जी की वजह से ही मनाई जाती है। और 22 तारीख को अगर राम जी वहाँ बैठ रहे हैं तो वो दिवाली से भी बड़ा दिन है।